झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति ने की। बैठक के दौरान पार्टी विरोधी कार्यों में संलिप्त नगर अध्यक्ष राजकिशोर कमल उर्फ पिंकू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नगर अध्यक्ष के निष्कासन किए जाने से पूर्व उन पर लगे आरोपों की जांच 8 सदस्यीय कमेटी द्वारा की गई। गठित जांच कमेटी में स्वयं जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति, उपाध्यक्ष अमरदीप प्रसाद, जिला प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मित्तल, सदर प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र राम, छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव और छात्र संघ उपाध्यक्ष रूपेश यादव, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद अजहर, नगर सचिव अर्जुन भगत शामिल थे। जांच के क्रम में उन पर लगाए गए सभी आरोप सत्य पाए गए। इतना ही नहीं, राजकिशोर कमल पर पार्टी के वरीय नेताओं के विरुद्ध असंसदीय व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से लेकर पार्टी से निष्कासित सदस्यों के साथ बैठक करने का भी मामला पाया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अध्यक्ष पर किए गए निष्कासन की सूचना पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजी जा रही है। बैठक में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, नगर अध्यक्ष पे बीते कई माह से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे लोगों के द्वारा, जिसमें आम जनमानस भी थे और पार्टी संगठन के हमारे जिला उपाध्यक्ष के ऊपर भी उन्होंने कई आरोप लगाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यहाँ तक कि हम लोग समझाने पर भी अपशब्द का प्रयोग करने लगे। साथ ही जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के वैसे जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी अमर्यादित शब्दों का उनके द्वारा चयन किया जाना और पार्टी से जो निष्कासित व्यक्ति हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पवन कुमार जी, जो पूर्व विधायक मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल जो हमारे पार्टी से निष्कासित हैं, उनके साथ जो ज्वाइन किए थे भारतीय जनता पार्टी को, तो उनके साथ अलग जा कर के एकला चलोरा पर वो चले और उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये सारी बातें जब जांच के क्रम में मैंने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जांच के क्रम में ये बात आई कि ये उन पर लगाए गए सारे तथ्य जो हैं वो सत्य प्रतीत हुए, तभी जा कर के उनको पार्टी से नगर अध्यक्ष के पद से उनको निष्कासित करते हुए उनको जिला प्रवक्ता के पद से भी हटाने का अनुशंसा किया गया है और साथ ही उनके प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए भी केंद्रीय समिति को अनुशंसा की गई है।